हेलो एवरीवन, वेलकम और गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा मुगल स्थापत्य कला। और मुगल स्थापत्य कला में हम, ये हमारा दूसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास हमने मुगल स्थापत्य कला के परिचय का हमने देखा था। आज हम दूसरे इसका अकबर के शासनकाल में जो स्थापत्य कला रहती है उसका हम डिटेल से वर्णन करेंगे कि अकबर के शासनकाल में जो इस्लामिक प्रभाव पड़ा था, अकबर ने जो किले बनवाए थे, चार किले बनवाए थे। अजमेर का किला बनवाया था अकबर ने, लाहौर का किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था अकबर ने, अटक का किला बनवाया था। उसके अलावा अकबर के जो आगरा का किला बनवाया था, आगरा के किले में उसने जहांगीरी महल बनवाया था, अकबरी महल बनवाया था। आगरा के किले के बाद अकबर का जो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है अकबर के शासनकाल में, और इसके बात अगर हम देखें तो फतेहपुर सीकरी के अंदर दीवाने आम के निर्माण की, दीवाना आम बनाया, दीवाने खास बनाया, पंच महल बनवाया था, तुर्की सुल्ताना का महल बनाया गया। तुर्की सुल्ताना के महल के अलावा मरियम उस्मानी का महल बना हुआ, अबुल फजल का महल बना हुआ, बीरबल का महल बना हुआ, जामा मस्जिद की बनी हुई है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, और वहाँ रानियों के रहने के लिए मदरसे बने हुए हैं। इन सब का हम वन बाई वन करके डिटेल से इसका अध्ययन किया जाएगा। सबका ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड पर रहेगा बच्चों। यहाँ देखिए अकबर की स्थापत्य कला। अकबर की स्थापत्य कला में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ हम वर्णन करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ये कहाँ बना हुआ है बच्चों? ये दिल्ली में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा जो आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले हुमायूं का मकबरे का जो वास्तुकार था, ईरान का रहने वाला था, और इसका नाम था मिरक मिर्जा। इसका क्या नाम था? मिरक मिर्जा। ये पहली विशेषता है। अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में इस मकबरे को बनाया गया था। तीसरी विशेषता की बात करें तो ये जो मकबरा है लाल पत्थर से बना हुआ है। अगर चौथी विशेषता की बात करें तो इस मकबरे में चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है। अगर इसकी पांचवी विशेषता की बात करें तो यहाँ हुमायूं के मकबरा जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा मकबरा है बच्चों जो दोहरा गुंबद बना हुआ है। मैंने आपको बताया था गुंबद क्या होता है और शैतीर किसे कहते हैं, मेहराब किसे कहा जाता है। यहाँ पर इसी मकबरे में बहादुर शाह ने शरण ली थी, जो 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट था। हुमायूं के मकबरे की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो बच्चों हुमायूं का मकबरा जो था ये ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ताजमहल का पूर्वगामी भी इसको कहते हैं। और हिंदू शैली की पंचरत्न से भी ये प्रभावित है। यहाँ यह है मकबरा, उससे भी प्रभावित है। लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। यहाँ पे मेहराब और शहतीर का प्रयोग किया गया। अनुपात जो था उसका समान रखा गया था। हुमायूं के ये आपको डायग्राम में जो चित्र दिख रहा है बच्चों, यहाँ इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में जो चित्र दिख रहा है उसी का मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ कि ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, इसका वास्तुकार कौन था? मिरक मिर्जा इसका वास्तुकार होता है। हाजी बेगम की देखरेख में यह बनाया गया था। यह अकबर के शासनकाल में बना था। इसमें हिंदू शैली का भी प्रयोग किया गया था। हिंदू शैली की पंचरथ का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पंचरथ का प्रयोग किया गया था। लाल पत्थर लगाए गए थे। इसमें चार बाग शैली का प्रयोग किया गया। इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, दोहरे गुंबद यहाँ डायग्राम में देखिए, दोहरे गुंबद दिख रहे हैं। बहादुर शाह जो 1857 में यहीं पर इसने इसी हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, यहाँ मेहराब और शैतीर का बहुत अच्छे थे समान अनुपात में प्रयोग किया गया। मेहराब किसको कहते हैं, गुंबद किसको कहा जाता है, शैतीर क्या होता है, ये पिछली वीडियो में जाके आप डिटेल से इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैंने वहाँ डायग्राम बनाया बनाया के आपको बताया था कि ये गुंबद होता है,
मेहराब गेट, छोटे गेट पहले बने थे, बाद में बड़े गेट बने, गेट के ऊपर जो अलंकरण किया जाता था वह सब क्या कहलाता था? मेहराब कहलाता था। छत जो होती थी, छत पे जो अलंकरण किया जाता था वो क्या कहलाता था बच्चों? वह शहतीर कहलाता था। इन सब का हमने डिटेल से पहले पिछली वीडियो में मेहराब, शहतीर और गुम्बद किसे कहा जाता है इसका हमने डिटेल से पढ़ा था। हुमायूं के मकबरे के बाद अब हम नेक्स्ट जो है अकबर की स्थापत्य कला वास्तुकला में हम नोट करेंगे आगरा का किला। अब कौन सा आगरा बच्चों? आगरा का किला। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? आगरा का किला। डायग्राम में बच्चों यहां देखिए, ये आगरा का किला है। आगरा का किला यहाँ आपको दिख रहा है। आगरा के किले की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वन वन वाई करके हम इनका विश्लेषण करेंगे कि आगरा के किले की क्या क्या विशेषता है। अकबर ने 1565 में आगरा का किले का निर्माण कराना प्रारंभ किया, इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसको बनने में 15 वर्ष लग गए थे। आगरा के किले को बनने में कितने वर्ष लगे थे? 15 वर्ष। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसमें किसका प्रयोग किया गया बच्चों? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। आगरा के किले के अंदर अगर देखा जाए तो बच्चों इसकी दीवारें जो थी वो 70 फुट ऊंचाई पर थी। आपको डायग्राम में दिख रहा है दीवारें 70 फुट ऊंचाई पर इसकी दीवारें थी। यहाँ पांचवी विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो आगरा के किले में जो है 4 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। प्रवेश द्वार कितने बनाए गए थे? 4 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पश्चिमी दरवाजा जो है, ये पश्चिमी दरवाजा, इसी को दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसके जो उधर पूर्व में जो दरवाजा था वो अमर सिंह दरवाजे के नाम से जाना जाता है। वो कौन से दरवाजे के नाम से जाना जाता है? अमर सिंह दरवाजे के नाम से जाना जाता है। आगरे के किले की विशेषता है कि यहाँ पर बच्चों एक जहांगीरी महल बना हुआ है और एक अकबरी महल बना हुआ है। यहाँ पर दिल्ली दरवाजे का निर्माण 1566 में हुआ था। कब हुआ था? 1566 में दिल्ली दरवाजा बनकर तैयार हो गया था। इसी आगरा के किले में जो आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ जो दिख रहा है यहाँ देखिए, इसी आगरा के किले में जहांगीरी महल है। कौन सा महल है? जहांगीरी महल है और अकबरी महल बना हुआ है इसमें। जहांगीरी महल जो है वो ग्वालियर के मान सिंह के महलों की नकल पर इस महल को बनाया गया था और ये पूर्णतः हिंदू शैली में बना हुआ मंदिर है। जहांगीरी महल किसमें बना हुआ? पूर्णतः हिंदू शैली में बना हुआ महल कौन सा महल कहलाता है? जहांगीरी महल कहलाता है। जहांगीरी महल के पास में अकबर के नाम से अकबरी महल बना हुआ है और यहाँ इसमें कड़िया और तोड़े का प्रयोग किया गया। जहांगीरी महल में किसका प्रयोग किया गया बच्चों? कड़िया और तोड़े का। किसका? कड़िया और तोड़े का प्रयोग किसमें किया गया? जहांगीरी महल में किया गया है। ये जो आगरा का किला है उसमें गुजराती और बंगाली शैली का भी प्रयोग किया गया। किसका? बंगाली और गुजराती शैली का भी प्रयोग किया गया है। अब यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं ये आगरा का किला है। आगरा के किले की विशेषताओं को हमने देख लिया यहाँ पे। बाद में जब शाहजहां आया था तो उसने जो लाल पत्थर से बने हुए थे उन लाल पत्थरों को सब पत्थरों को किसमें, उसने लाल पत्थरों का की जगह संगमरमर का प्रयोग किया था नए, और उसने पुनर्निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो अकबर की स्थापत्य कला, अकबर की जो वास्तुकला थी उसमें हमने पहला वर्णन किया था। किसका? हमने नोट किया था बच्चों अभी अभी हुमायूं का मकबरे का हमने वर्णन किया था। हुमायूं के मकबरे के बाद अब हम आगरा के किले का किले की बात कर रहे हैं। आगरा के किले की क्या क्या विशेषता है? डायग्राम आपके सामने है, आप यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। 1565 ईस्वी में अकबर ने इसको बनाना शुरू किया था। 15 वर्षों में बनकर ये तैयार हो गया था। लाल पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया था। 70 फुट ऊंचाई इसकी दीवारें हैं। इसके 4 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इसका पश्चिमी दरवाजा दिल्ली दरवाजे के नाम से फेमस होता है। 1566 में ये दरवाजा बनकर तैयार हो गया था। दूसरा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है। इसमें 2 महल थे। पहला कौन सा महल था रे बच्चों? जहांगीरी महल। और दूसरा कौन सा महल होता है यहाँ पे? अकबरी महल। अकबरी महल जहांगीरी महल के पास में ही बना हुआ है। जहांगीरी महल जो है वो ग्वालियर के जो मान सिंह थे उनके महलों की नकल पर ये महल बनाया गया था और हिंदू शैली में निर्मित ये महल बनाया गया। इसमें
कड़िया और तोड़े का प्रयोग किया गया था, कड़िया और तोड़े का प्रयोग किया गया था। और आपको जो आगरे के किले का डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है उससे आप इसकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब अकबर की वास्तुकला के हम अगले पार्ट के अंदर बात करें तो आगरा के किला का हमने अध्ययन कर लिया और इसके बाद में आता है आपके फतेहपुर सीकरी के महल। फतेहपुर सीकरी के महलों में जो कौन कौन सी विशेषता रहती है उस पर हम ध्यान देंगे कि फतेहपुर सीकरी में जो महल बने हैं, फतेहपुर सीकरी अकबर की वास्तुकला में फतेहपुर सीकरी यहाँ देखिए बच्चों, ये सीकरी एक गांव था और बाद में 1571 ईस्वी की बात है, अकबर जो था वो कहाँ गया था हमला करने के लिए, गुजरात पर गया था और गुजरात में पहली बार उसने समुद्र के दर्शन किए थे। पहली बार समुद्र के दर्शन करके अकबर के दिमाग में विचार आया कि जिस तरह से ये समुद्र है उतना ही मैं एक विशाल दरवाज़ा बनाऊंगा, और उसने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी के महलों की महल जो है उसमें बहुत सारे महल बनाए हुए हैं जिसका हम अलग अलग डायग्राम बना के यहाँ पे और उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जोहाबाई के महल की विशेषता क्या है, तुर्की सुल्ताना के महल की विशेषता क्या है, पंच महल की विशेषता क्या है, जामा मस्जिद के महल की विशेषता क्या है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ हिरण की मीनार बनी हुई है, तो यहाँ सबका हम वन बाई डायग्राम बना के उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। 1571 ईस्वी के अंदर अकबर का जब गुजरात पर हमला होता है और गुजरात पर जब वो हमला होता है तो वहाँ के जो मुसलमान शासक था उसको पराजित करने के बाद, गुजरात समुद्र के दर्शन करने के बाद उसने वो जगह उसने फतेह कर ली थी, इसलिए सीकरी गांव में आके उसने कहा कि मैंने गुजरात को फतेह कर लिया है इसलिए अब मैं एक फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाऊंगा। और इसी में अकबर ने यहाँ फतेहपुर सीकरी महल का निर्माण करवाया था। यहीं पर यहाँ शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म होता है। उनको रतन में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर यानी उनको रतन मिल गया था, एक पुत्र का जन्म हुआ था। और फतेहपुर सीकरी महल के अंदर 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया। अभी मैंने आपको ये बताया था फतेहपुर सीकरी महल में क्या क्या है, दीवाने आम हैं। फतेहपुर सीकरी महल में दीवाने आम हैं बच्चों, दीवाने खास हैं, दीवाने खास हैं यहाँ पे, यहाँ पंच महल है, यहाँ पे जोधाबाई का महल है, यहाँ पे मरियम उजमानी का महल है, मरियम उजमानी, यहाँ पर तुर्की सुल्ताना का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, यहाँ अकबर की स्थापत्य कला में यहाँ बीरबल का महल है, यहाँ अबुल फजल का महल है, यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, यहाँ जामा मस्जिद है, यहाँ हिरण की मीनार है, वन बाई वन करके हम अगर इनका डिटेल से अध्ययन करें बच्चों तो यहाँ एक बार वापस देगी। ये फतेहपुर सीकरी का महल आपको डायग्राम में दिख रहा है और इसमें जो दीवाने, यहाँ दीवाने आम है, दीवाने खास है, पंच महल है, जोधाबाई का महल है, मरियम उजमानी का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, बीरबल का महल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, हिरण की मीनार है, जामा मस्जिद है यहाँ पे, और इतनी सारी विशेषता है इस महल की। यहाँ एक बुलंद दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा जो 174 फुट ऊंचाई पर है। ये सब फतेहपुर सीकरी के महल की विशेषता है। अब सबसे पहले दीवाने आम क्या होता है, दीवाने खास, दीवाने आम जो जन सामान्य लोग जहाँ बैठकर चर्चा किया करते थे वो दीवाने आम कहलाता था, दीवाने खास उसको कहते थे जहाँ पे स्वयं अकबर का एक खुद का निवास स्थान होता था और वो उनके लिए खास महल कहलाता था। ये आपको दिख रहे हैं सब फतेहपुर सीकरी के महलों में डायग्राम में, पंच महल है यहाँ पे, पंच महल बौद्ध शैली से बना हुआ महल है, रानी जोधाबाई का महल है, मरियम उजवानी का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर महलों के अंदर की जो महल बने हुए हैं,
फतेहपुर सीकरी के महल महल फतेहपुर सीकरी को एक राजधानी के रूप में प्रयोग किया गया था और यहाँ पर इस्लाम खान का मकबरा भी बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा बना हुआ है? इस्लाम खान का मकबरा भी बना हुआ है यहाँ पे। अब जोधाबाई के महल महलों की क्या विशेषता रहती है? फतेहपुर सीकरी अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है बच्चों, ये अकबर की स्थापत्य कला का। यहाँ फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल ये सबसे बड़ा महल कहलाता है, सबसे बड़ा महल कहलाता है। पहली विशेषता यह है। दूसरी विशेषता, इसमें गुजराती शैली का प्रयोग किया गया है। और इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हुए हैं, दक्षिण भारत में मंदिर जो बने हुए हैं, उन मंदिरों का प्रभाव भी इस मंदिर पर, इस महल पर होता है। और इसकी अगली विशेषता यह है कि इसके पास में एक मरियम की कोठी बनी हुई है। किसकी कोठी बनी हुई है? मरियम की कोठी बनी हुई है। डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जोधाबाई का महल जो आपको किस तरह दिख रहा है, ये महल यहाँ आप सब ध्यान कर रहे हैं, सबसे बड़ा महल कहलाता है ये जोधाबाई का। ये गुजराती शैली का इसमें प्रभाव पड़ा था। दक्षिण भारत के महलों के अंदर अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए हैं द्रविड़ शैली के मंदिर है। उत्तर भारत में जो मंदिर बने हुए हैं बच्चों, वो सब नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं, नागर शैली के मंदिर। अब ये राजस्थान में बने हुए, मध्य प्रदेश में खुजराहो का मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर फेमस माना जाता है, पुरी का मंदिर फेमस माना जाता है और भुवनेश्वर के मंदिर फेमस माना जाता है। और इधर आपके बैसल शैली के जो है वो चालुक्य वंश के अंदर बने हुए मंदिर बैसल शैली के मंदिर कहलाते हैं। यहाँ मरियम की कोठी स्थापित है जोधाबाई के महल। जोधाबाई के महल के बाद अब हम नेक्स्ट महल की चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट पंचमहल आता है। कौन सा महल आता है बच्चों? पंचमहल। और पंचमहल की क्या क्या विशेषताएं हैं? पंचमहल जो है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था बच्चों। कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। डायग्राम में देखिए, ये पंचमहल है, ये पंचमहल आपको दिख रहा है। पंचमहल की पहली विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता क्या है, चौथी विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि ये 5 मंजिला है, आप दिख रही है आपको ये 5 मंजिलें दिख रही है। दूसरी विशेषता यह है कि ये बौद्ध शैली में बनाया गया मंदिर है। तीसरी विशेषता है नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में किसने की थी बच्चों? कुमार पाल ने की थी। और कुमार नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आर्यभट्ट था। नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन था? शांति रक्षित था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध शैली के विहार बने हुए थे और बौद्ध शैली के विहारों की तर्ज पर कौन सा ये पंचमहल जो आपको दिख रहा है ये बौद्ध शैली पर बना हुआ है, ये पिरामिड आकृति का महल बना हुआ है। कौन से आकृति का? पिरामिड आकृति का महल बना हुआ है। यहाँ पंचमहल की अगर विशेषताओं की बात करें बच्चों ये तो ये फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊँची इमारत कहलाती है। ये फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत यही कहलाती है। 176 भव्य नकाशीदार स्तंभ है यहाँ पे। यहाँ कितना स्तंभ है बच्चों? 176 भव्य नकाशीदार स्तंभ बने हुए हैं पंचमहल के अंदर। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। पंचमहल को क्या कहा जाता है? हवा महल की संज्ञा भी दी जाती है। पंचमहल का आप डायग्राम देखिए बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहली विशेषता क्या है? ये 5 मंजिला है, ये बौद्ध शैली का है, नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पे बना हुआ है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना होगा। कुतुबुद्दीन एक विख्यात काकी था। कुतुबुद्दीन विख्यात काकी ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक महल समझ लिया था और उसको जला के राख कर दिया था। कई दिनों तक धुआं निकलता रहा था। वहाँ एक बहुत विशाल लाइब्रेरी थी, धर्म यज्ञ उस लाइब्रेरी का नाम था। उसमें 3 भवन थे, रतन नदी, रतन रंजक, रतन सागर। वो वहाँ से कई दिनों तक धुआं निकल रहा था और नालंदा विश्वविद्यालय जलकर राख हो गया था। वर्तमान में यह हमें हमारे पास मौजूद नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? बिहार के अंदर था। इसकी स्थापना किसने थी? गुप्त काल के कुमार पाल ने की थी। गुप्त काल में, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर समुद्रगुप्त, जिसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। समुद्रगुप्त के बाद
कुमार गुप्त आया था, और फिर यहाँ जो है कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्यभट्ट जो थे वो यहाँ के कुलपति थे। आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र के अंदर, गणित गणित के अंदर, तंत्र तंत्र में, और जो है पाई का सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने टॉलमी प्रणाली का खंडन किया था। आर्यभट्ट जो थे वो महाराष्ट्र में नर्मदा और कृष्णा नदी के किनारे अशमक महाजनपद के पास में इनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट का योगदान भी अमूल्य योगदान रहता है बच्चों। यहाँ आचार्य शांति रक्षित था, विहारों की तर्ज पर ये पंचमहल बना हुआ है। यह आकृति पिरामिड आकृति का महल बना हुआ है, और 176 यहाँ देखिए स्तंभ जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, स्तंभ बने हुए हैं। पंचमहलों को वर्णन करने के बाद अब हम जामा मस्जिद की बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है, जो फेमस मानी जाती है, जामा मस्जिद का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था बच्चों। जामा मस्जिद का निर्माण, इसकी पहली विशेषता है इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। अकबर के शासनकाल तक लाल पत्थर ही चल रहे थे, बाद में शाहजहां जब आया था तो उसने संगमरमर का प्रयोग किया था। यहाँ हम देखेंगे कि जामा मस्जिद में ये फतेहपुर सीकरी का गौरव कहलाता है बच्चों। ये क्या कहलाता है? फतेहपुर सीकरी का गौरव कहलाता है। फतेहपुर सीकरी का गौरव तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर का है बच्चों, इसमें विशेषता यह है कि यह जो जामा मस्जिद बनी हुई है उसके बिल्कुल पास में एक बुलंद दरवाजा बना हुआ है। इसके पास में कौन सा दरवाजा बना है? बुलंद दरवाजा बना है। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था, और बुलंद दरवाजे के अंदर यहाँ अर्ध गुंबदीय शैली का प्रयोग किया गया। गुंबद कैसा था? अर्ध गुंबदीय शैली का प्रयोग किया गया था। मेहराब और शहतीर का प्रयोग किया गया था। मेहराब और शहतीर का प्रयोग किया गया था। तुर्की सुल्ताना के महल को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। ये बच्चों आज हमने जो अध्ययन किया है उसमें अकबर की वास्तुकला का हमने अध्ययन किया, और हम जब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम अध्ययन करेंगे जहांगीर जो वास्तुकला लेकर आया था और शाहजहां जो वास्तुकला लेकर आया था वो कौन कौन से किले बनवाए थे। अकबर की स्थापत्य कला में हमने ये देखा था कि हुमायूं का मकबरा बना था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम की देखरेख में बना था। ईरान से आया था मिर्जा मीरक आया था। चार भाग शैली के अंदर बना हुआ है हुमायूं का जो मकबरा है। इसी में 1857 की क्रांति के नेता बहादुर शाह ने इसी महल के अंदर शरण ली थी। भारत का एकमात्र ये मकबरा है जो दोहरी गुंबद शैली में बना हुआ है। हुमायूं के मकबरे के बाद हमने आगरे के किले की बात की। आगरे के किले में जहांगीरी महल बना हुआ, अकबरी महल बना हुआ। जहांगीरी महल में कड़िया और तोड़े का प्रयोग किया गया था। जहांगीरी महल जो था वो ग्वालियर के मान सिंह के महलों की नकल पर हिंदू शैली में बनाया गया महल बना हुआ था। और फिर हमने देखा कि उसके पास में अकबरी महल बनाया गया था। आगरे के किले में चार प्रवेश द्वार थे। पश्चिमी दरवाजा जो था उसको दिल्ली दरवाजा कहते थे। पूर्वी दरवाजा जो था उसको अमर सिंह दरवाजा कहते थे। 176 फुट ऊंची दीवारें 76 फुट ऊंची दीवार थी उनकी। लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। आगरा के किले को कासिम खान ने बनवाया। कासिम खान की देखरेख में बना था आगरे का किला। आगरे के किले के बाद में हमने बात की थी फतेहपुर सीकरी के महलों में दीवाने आम है। दीवाने खास है, पंच महल है, बीरबल का महल है, रानी जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, मरियम उजमानी का महल है, मदरसा बना हुआ है, और जो पंच महल है जो उसको हवा महल भी कहते थे। यहाँ शाम को टहलने के लिए राजा यहाँ पर आता था, अपनी रानियों से बातें करता था। ये एक खुला स्थान था। यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी। यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये फतेहपुर सीकरी की विशेषता थी। ये वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण था। अकबर के शासनकाल की सारी चीज़ों का डिटेल से हमने अध्ययन किया। डायग्राम से आपको हर चीज़ आप इसमें समझ गए हैं। आप मेरे विचारों से सहमत